कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से किसान 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं। इस आंदोलन को तेज करने के लिए अब किसान फिर से किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं ताकि सरकार पर कृषि कानून वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सके। 24 जून को होने वाली किसान ट्रैक्टर यात्रा की रणनीति बनाने के लिए रविवार को जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान ट्रैक्टर यात्रा को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए बीकेयू के जिलाध्यक्ष धीरज लाठियान ने बताया कि 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर से भी हजारों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर मेरठ टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे, जहां रात होकर किसानों को ये यात्रा अगले दिन 25 जून को गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच करेगी। देखो, ट्रैक्टर किसान यात्रा निकलनी सहारनपुर से चालू होगी, जो 24 की शाम को दरोड़ा चेक पोस्ट जो वो है अपना टोल प्लाजा, उस पर पहुंच जाएंगे। वहाँ रात्रि वहीं विश्राम होगा। 25 की सुबह को वहाँ से कूच करेंगे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। ये आंदोलन जो चल रहा दिल्ली में, उसी आंदोलन का एक हिस्सा है ट्रैक्टर किसान यात्रा। कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी, कहाँ पर जाएगी? सहारनपुर से चलेगी 24 में और 25 की शाम तक जा लगे गाजीपुर बॉर्डर पर। क्या क्या रणनीति आज मीटिंग में बनी है? आज सभी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और जिला स्तर के पदाधिकारी, जो जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हैं, में और मंडल स्तर के सभी यहाँ उपस्थित हैं। लगभग कितना किसान मुजफ्फरनगर से जा? हमने टारगेट बनाया 1000 ट्रैक्टरों का, 1000 के आसपास ट्रैक्टर, ज़्यादा भी हो सके कोई भी, तो इतना टारगेट मारा है। कौन कौन इसमें मेरे आपके कार्यकर्ता शामिल हैं? सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिले का पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी जो मुजफ्फरनगर में हैं, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो भी हैं, यहाँ से मैं शामिल रहेंगे और वे गाजीपुर पहुँचेंगे 25 तारीख को।